हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? डिफ्थीरिया के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एक रोगी व्यक्ति जिसको डिफ्थीरिया हुआ है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट दिखेंगे, तब हम बताएंगे कि उसको कौन सा रोग है, डिफ्थीरिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो करेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। फिर भी मैं आपके एक बार हम आगे उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वो रोग फैलता कैसे है, उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे। बट उससे पहले क्या हमें एक बार आपको पीछे का जो है वो थोड़ा रिवाइज करा दे, ताकि आप ईजिली क्या कर सके, आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ चुके। ठीक है, देखिए डिफ्थीरिया स्टार्ट किया था, क्या बोला था बच्चों में, और भयानक रोग है कि कौन सा रोगजनक है, कौन है बैक्टीरियम, तो डिफ्थीरिया ही होता है। इफेक्ट क्या होता है, मेनली जो बैक्टीरिया होता है वो गले को इफेक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम, लंग्स, हार्ट, ये सीधे इफेक्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो नोज़ होता है ना, उस नोज़ के सिक्रेशन के साथ में क्या आता है, ब्लड निकलता है। और सांस रुकना इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कि सांस रुकने के कारण क्या हो सकती है, व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आया समझ में? अभी नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि वो रोग है ना, हमने क्या बोला, संक्रामक रोग है, जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रोग फैलता कैसे है, उसका प्रसार कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था, बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर क्या देख रहे हैं, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, और वैसे कौन से बीमारियां हैं, ये जीवाणु जनित। कौन से रोग देख रहे हैं हम, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, और क्या चल रहा था इसमें हमारा, डिफ्थीरिया चल रहा था, कि डिफ्थीरिया जो है उसके क्या करैक्टर्स होते हैं, कैसा उसके कारण प्रभाव पड़ता है। रोग चल रहा था हमारा डिफ्थीरिया। कौन सा रोग था, डिप्थीरिया। अब देखिए करैक्टर्स हो गए, किसके कारण फैलता है वो लिख लेते हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं क्या कि ये रोग फैलेगा कैसे। करैक्टर्स तो हो गए, कैसे प्रभावित होगा एक रोगी व्यक्ति होगा ना, उसके अंदर क्या क्या लक्षण होंगे इसके। ठीक है, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोग का प्रसार, मतलब ये जो रोग है वो कैसे फैलेगा। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे। देखिए सामान्य व्यक्ति है उसको रोगी व्यक्ति, मतलब अगर हम बोल रहे हैं प्रसार या संक्रमण किसको बोल रहे हैं, कोई रोगी व्यक्ति है उससे जो सामान्य व्यक्ति है ना उसमें भी रोग फैल जाना क्या होता है, वही तो संक्रमण होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक सामान्य रोगी है, जैसे सामान्य व्यक्ति है और एक रोगी व्यक्ति है, तो क्या जो रोगी व्यक्ति होता है ना उसके साथ में अगर कॉन्टेक्ट में रहता है तो भी ये रोग फैलता है। सामान्य व्यक्ति रोगी व्यक्ति के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है तो पहला जो रोग प्रसार का माध्यम है वो क्या हो गया, सामान्य व्यक्ति और जो रोगी व्यक्ति होगा, मरीज पेशेंट जो होगा उस रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क द्वारा। ठीक है, हो गया, उस रोगी व्यक्ति के किसके द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, पहला जो रोग हमने बोला रोग प्रसार जो बोल रहे हैं तो वो किसके द्वारा फैलेगा। ठीक है, हो गया फर्स्ट हमारा।
कि रोगी व्यक्ति का क्या हो जाएगा, उसके डायरेक्ट अगर कॉन्टेक्ट में रहते हैं हम तो उसके द्वारा क्या फैलता है, ये रोग फैलता है। किसमें? सामान्य व्यक्ति किसके संपर्क में रहे, रोगी के कॉन्टेक्ट में रहे। इसमें क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति होता है ना, उसके साथ क्या खाने पीने सोने उठने बैठने छींकने, तो ये मतलब हमने से बोला सांस के लिए बोला इम्पोर्टेंट चीज़, नाक के लिए बोला वो भी उससे रिलेटेड है, लंग्स के लिए हमने बोला, तो वो व्यक्ति की जैसे हम ऐसे बोलते हैं। और एक चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जैसे कि आप कोई जानते हो कि जब हम छींकते हैं ना, तो हमारा जो नाक से हमें सोचते हैं कि कुछ निकलता है बाहर, उसके साथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज फ्री होते हैं हमारे एक छींक के साथ में, तो इसीलिए क्या होता है इसका संक्रमण हो सकता है। तो इसमें नेक्स्ट करेक्टर क्या लिखेंगे हम, जो रोगी व्यक्ति होगा उसके साथ खाने पीने से, उस रोगी व्यक्ति के साथ क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में उसके साथ खाने पीने से सोने से और इम्पोर्टेंट चीज क्या छींकने से, रोगी के छींकने से। इन्हीं के द्वारा फैलते हैं, छींकेंगे तो क्या निकलेंगे, बैक्टीरिया निकलेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया फ्री होंगे खांसने से। अगर आप इस तरीके से उस व्यक्ति के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो तो ये रोग जो है आपके अंदर भी फैल सकता है, ठीक है। ये नॉर्मली भी अगर कोई भी पर्सन है और आपको नहीं पता है कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है, उसको कुछ ना किसी चीज़ का संक्रमण है, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हम छींकते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज फ्री होते हैं, तो किसी को व्यक्ति क्या हो सकता है, ये रोग फैल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और नेक्स्ट क्या आता है, देखिए इस टाइप के जो रोग होते हैं ना, हमें सब बोल रहे हैं कि लंग्स पे प्रभाव पड़ता है, हमारे जो लंग्स हैं वो प्रभावित होते हैं, सांस लेने में जो सांस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम होने से, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई तो क्या व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ना रोगी व्यक्ति के साथ खाने पीने उठने सोने से, तो आप ये जो सिम्टम्स हमें सब बोल रहे हैं ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमने ये बोला फैलता है, क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो रोग है वो संक्रामक रोगों के अंदर आता है, और जो संक्रामक रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कि ये किस किस के द्वारा फैलेंगे। तो हो गया क्लियर, सोना खाना पीना उठना खांसना छींकना इम्पोर्टेंट है, ये इससे होगा। नेक्स्ट क्या आता है, मान लीजिए रोगी व्यक्ति है ना, उसने कहीं थूक दिया बाहर, उसने क्या कर दिया कहीं बाहर थूक दिया, तो उसके थूकने से भी जो एनवायरनमेंट है ना, चलो कोई नहीं है बाई चांस वहां पे ऐसे लगा लीजिए, तो उसके थूकने से एनवायरनमेंट के अंदर क्या फैलते हैं, बैक्टीरिया फैलते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर क्यों किसका इन्फेक्शन हो जाएगा, एनवायरनमेंट में ही फैल जाएंगे बैक्टीरिया, एनवायरनमेंट में तो सब लोग रहते हैं, तो सांस लिया जाएगा तब उनके अंदर जाएगा बैक्टीरिया, एनवायरनमेंट के अंदर तो हर चीज होती है जो डायरेक्टली में इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस रोग का प्रसार जो है वो किस किस तरीके से होता है, ये रोग कैसे कैसे फैलता है, ठीक है, आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट क्या आता है, देखिए समझ में आया आपको, पहले तो ये बता दिया आ गया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन है डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर कीजिए और हमारे क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को सभी लोगों तक पहुँचाइए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, सारा मैटर दिया जाएगा। पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें आप खुद देख लीजिए, चैप्टर टू चैप्टर पूरे टॉपिक टू टॉपिक पूरा सिलेबस दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम बाकी सब्जेक्ट भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकें। ये तो क्या हो गया, इसके रोग प्रसार, मतलब ये जो रोग है ना वो कैसे फैलेगा, ठीक है, हो गए सिम्टम्स इसके। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जब इतनी बीमारियां हो रही हैं, इसके सिम्टम्स देखे हैं, लंग्स पे सब पे इफेक्ट पड़ रहा है, व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है, तो उसका कुछ तो ट्रीटमेंट किया जा सकता होगा, उस ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है किसकी, ट्रीटमेंट की, बल्कि हम इसका क्या उपचार कर सकते हैं, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर भी हमने बताया उन्हें वाला भयानक रोग है, तो उन शिशुओं में क्या होता है कि उनको एक टीका लगाया जाता है, किसका, जो छोटे बच्चे होंगे
उनको किसका टीका लगाया जाता है? उनको डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है छोटे बच्चों को। अब कुछ ध्यान आ रहा है इससे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में कि जो डीपीटी एक टीका लगाया जाता है डिफ्थीरिया रोग में, जो तीन मेनली तीन जो रोग होते हैं उसके लिए भी लगाया जाता है। ठीक है, देखिए डीपीटी के लिए लगा, डीपीटी बोल रहे हैं कि डीपीटी का टीका लगाएंगे, तीन बीमारी से सुरक्षा देगा ये। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या हो गया। डीपीटी शिशुओं को क्या करता है? शिशुओं के अंदर लगाया जाता है डीपीटी का टीका। अब ये क्या करता है, देखिए ये हमने बोला डीपीटी और ऐसे बोला कि क्या करेगा ये तीन बीमारियों से सुरक्षा करेगा। तीन बीमारियों से क्या करता है? ये सुरक्षा करता है। तो वो क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा, डीपीटी मतलब किस किस से? डिफ्थीरिया, डी से डिफ्थीरिया, काली खांसी, पर्टुसिस, टिटेनस, ठीक है। तो ये जो रोग होता है ये इस तरीके से क्या करता है, फैलता है, और ये उसके उपचार हैं कि उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमने बताया कौन सा टीका लगेगा, डीपीटी का लगेगा, जो तीन बीमारी से सुरक्षा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब ये क्या आती है यहाँ पे, ये तो हमने बोला तीन बीमारी से सुरक्षा करेगा, डीपीटी का टीका लगेगा। इसके अलावा देखिए कोई भी रोग होता है ना, उसके लिए हम जैसे ट्रीटमेंट ले रहे थे, दवाइयाँ तो सबसे जरूरी चीज़ है कि दवाइयाँ जो है हम ले सकते हैं, तो क्या इसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज ली जा सकती है, एंटीबायोटिक्स कौन सी होंगी वो, देखिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आप भी जानते होंगे इसके बारे में, इसका क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं हम। तो देखिए इसके ये जो पेनिसिलिन होता क्या होता है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, ये किससे प्राप्त होता है? ठीक है, पेनिसिलिन की खोज करी थी फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसके अलावा और एंटीबायोटिक्स कौन सी, एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है जो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। अब ये तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए हम क्या जो मेनली जिसका जो प्रोसेस अगर हम देखें कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको समझिए मैं, अब आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो किस किस तरीके से। तो वैसे अगर हम जनरली देखें तो कोई भी रोग होगा ना, उस रोग के कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसे खतरनाक इफेक्ट होते हैं जो डायरेक्टली बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जिनसे हमारी डेथ तक की भी संभावना हो जाती है। और इस टाइप के जो रोग है वो तो है ही बच्चों के अंदर ज़्यादा फैलते हैं, इसीलिए बच्चों को क्या किया जाता है, उसको डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब बात आती है क्या, आपका जो क्वेश्चन पूछ लूँ मैं पहले, मैंने ऐसा बोला ये पेनिसिलिन, तो आपको ये बताना है कि किससे प्राप्त होता है, उसका नाम बताना है, जिस भी चीज़ से प्राप्त होता है उसका क्या नाम है, इसको किससे प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन को, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार पूरा जो डिप्थीरिया है ना, दो अलग अलग पार्ट हो गए, एक बार उनको मैं इकट्ठा बताती हूँ। देखिए कैसे होना, किसके द्वारा होगा, लोग कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनरल जो करेक्टर्स आप देखिए, बुखार जनरल जो मतलब ऐसे जो रोग होते हैं, बुखार रहता है, सिर दर्द भी हर रोग में हो जाता है, थकान भी होती है, भूख में कम लगना, चक्कर आना, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, लंग्स सांस के लिए आए बात, तो लंग्स भी बताना है, नोज भी बताना है, और सांस के कारण डेथ भी बताना है। ठीक है, रोगी के क्या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहने से होगा, उसके साथ खाना पीना सोना उठना बैठना उसका थूकना खांसना छींकना इनसे फैलता है, इलाज क्या है इसका, इसके लिए टीका जो है या फिर एंटीबायोटिक जो है वो यूज ले जा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपको, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और ये जो पूरा बताया इसको अच्छे से आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर
आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंटरनेट पढ़ाई .com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको इंटरनेट पढ़ाई .com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।